दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले शुक्रवार यानी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी, जिसने अपने 3 हफ्ते पूरे कंप्लीट कर दिए हैं और ये फिल्म 4th हफ्ते पर आ चुका है। और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 22वां दिन चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है फिल्म की कमाई पर और फिल्म आज भी पूरी तरह से हाउसफुल है। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, गदर 2 फिल्म अपने पहले 21 दिनों में टोटल इंडिया के अंदर कितनी कमाई करने में कामयाब रही, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा और आज अपने 22वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी सनी देओल को एक बेहतर अभिनेता मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बात करें गदर 2 की, तो हम इस फिल्म की जितनी तारीफें करें कम है, क्योंकि गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, कामयाबी के बहुत झंडे गाड़ दिए हैं जिसको जिंदगी भर याद रखा जाएगा। इंडिपेंडेंस डे पर यह फिल्म रिलीज हुई थी और अब रक्षाबंधन के दिन पर भी ये फिल्म चल रही है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बना है ये फिल्म गदर 2, जिसका बजट 100 करोड़ रुपए से भी कम का था और फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमिताभ पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे। और वही फिल्म को इंडिया के अंदर सिर्फ 3800 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन से जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो काबिले तारीफ और देखने लायक है। गदर 2 ने अपने पहले दिन जहाँ 40 करोड़ 10 लाख रुपये इंडिया से नेट कमाई की थी, तो वही फिल्म का जो वीकेंड का यानी 3 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 134 करोड़ 88 लाख रुपये था। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 175 करोड़ रुपए कमाई कर ली थी। उसके बाद अपने पहले 10 दिनों में यानी 10वें दिन दूसरे संडे को फिल्म ने कमाए थे 38 करोड़ 90 लाख रुपए और फिल्म का जो 10 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो 375 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 480 करोड़ रुपये कमाई कर ली थी। उसके बाद अपने पहले 15 दिनों में गदर 2 फिल्म 426 करोड़ 20 लाख रुपये इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 15 दिनों में 545 करोड़ रुपए था। उसके बाद 20वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 8 करोड़ 7 लाख रुपए का और अपने पहले 20 दिनों में गदर 2 474 करोड़ 35 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी। तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 560 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे लगभग 55 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 615 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी अपने पहले 20 दिनों में। 21वें दिन फिल्म की कमाई रही लगभग 8 करोड़ रुपए की और 22वें दिन की यानी आज की कमाई की बात करें तो आज भी फिल्म कमा रही है लगभग 4 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो 22 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो 486 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रहा है। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 638 करोड़ रुपए कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 21 दिन की जो कमाई रही वो 8 करोड़ रुपए